आप में से ज्यादातर लोगों ने प्लेन का सफर तो जरूर किया होगा। वैसे तो प्लेन दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन में से एक है, लेकिन दोस्तों कई बार इनके साथ भी असामान्य घटनाएं हो जाती हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे खौफनाक प्लेन लैंडिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उताह एयरपोर्ट लैंडिंग। दोस्तों, ये ट्विन इंजन प्लेन उताह के हार्बर सिटी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी प्लेन के व्हील्स रनवे की थिक आइस से टकराकर असंतुलित हो गए और पायलट ने इस जहाज पर से अपना कंट्रोल खो दिया। उससे जहाज बेकाबू होकर बर्फ पर जाकर फंस गया। दोस्तों, इस विमान में 3 लोग सवार थे जो लकीली पूरी तरह सुरक्षित बच गए। बर्फ में जाने से पहले प्लेन के व्हील्स और लैंडिंग गियर पूरी तरह से नष्ट हो गए। उताह म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के मुताबिक बर्फ की वजह से इस प्लेन का फ्यूल टैंक क्रैश नहीं हुआ और इस कारण यात्रियों की जान बच गई। कैथे पैसिफिक। दोस्तों, 13 अप्रैल 2010 को पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट 700 से इंडोनेशिया से हांगकॉन्ग जा रही थी। यह प्लेन सफलतापूर्वक उड़ान भरने के बाद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, 4 घंटे तक तो यह सही सलामत उड़ता रहा, लेकिन जब यह प्लेन हांगकॉन्ग से तकरीबन 150 मील दूर साउथ चाइना के ऊपर से गुजर रहा था, तभी इसका एक इंजन रुक गया। इसके बाद पायलट ने इस इंजन पर लोड कम कर दिया क्योंकि इससे आग लग सकती थी। और थोड़ी देर बाद फिर इमरजेंसी अलार्म बज उठा और तब पायलट को पता चला कि प्लेन का दूसरा इंजन भी फेल हो रहा है। इसके बाद पायलट ने प्लेन की रफ्तार बढ़ा दी, उससे जहाज़ को हांगकॉन्ग जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। और दोस्तों, जब ये जहाज़ एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचा तो इसका इंजन कुछ हद तक ही काम कर रहा था, लेकिन पायलट मालकॉम वाटर्स ने अपनी सूझबूझ से जहाज़ को फोर्स लैंडिंग कराई। दोस्तों, लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी क्योंकि इसके दोनों इंजन लगभग पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। DHL कार्गो प्लेन। दोस्तों, DHL दुनिया की सबसे बड़ी कॉरियर कंपनीज में से एक है। इनके शिप्स, प्लेन्स और गाड़ियां हर रोज लाखों लोगों की मेल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। दोस्तों, 25 अगस्त 2016 को DHL के एक कार्गो प्लेन की नॉर्दर्न इटली के बर्गामो एयरपोर्ट पर उतर रहा था, तभी इस जहाज के साथ एक हादसा हो गया। दरअसल ये जहाज रनवे पर जब उतरा तो पायलट के ब्रेक लगाने के बावजूद इस प्लेन की रफ्तार कम नहीं हुई और ये प्लेन सीधा चलता चला गया और एयरपोर्ट की सीमाओं को तोड़ता हुए सड़क पर आ गया। लेकिन दोस्तों, खुशकिस्मती से इस घटना में किसी की जान नहीं गई। दोस्तों, पायलट का कहना है कि ऐसा भारी वर्षा के कारण हुआ था, पानी रनवे पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था जिस कारण प्लेन के व्हील्स रुके नहीं। दोस्तों, इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर कंपनी का इससे लाखों डॉलर का नुकसान ज़रूर हो गया। ट्रिगाना एयरलाइंस। दोस्तों, ट्रिगाना एयरलाइंस इंडोनेशिया की एक जानी मानी एयरलाइन है। साल 2016 में इस एयरलाइंस का एक जहाज़ जिसमें 14 टन ईंधन भरा हुआ था, दोस्तों, से इंडोनेशिया के वामेना एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन लैंडिंग के वक्त जहाज़ में खराबी आ गई। वायु के जहाज़ का रियर लैंडिंग गियर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से इस जहाज़ के पिछले व्हील्स जहाज़ के बाहर ही नहीं निकल पाए और यह जहाज़ रनवे पर बिना व्हील्स के ही उतर गया। पर खुशकिस्मती से दोस्तों, लैंडिंग के बावजूद फ्यूल टैंक्स पूरी तरह सुरक्षित थे और किसी की भी जान को कोई ख़तरा नहीं हुआ, लेकिन जहाज़ की लैंडिंग सच में बहुत दिल दहला देने वाली थी। US एयरवेज। दोस्तों, US एयरवेज की फ़्लाइट एयरबस 320 ने न्यूयॉर्क से सेटल जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जहाज़ 100 मीटर की ऊंचाई पर ही पहुंच गया कि तभी एक बक्सी जहाज़ के विंग इंजन से टकरा गया और जहाज़ के एक तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में पायलट जहाज़ को वापस एयरपोर्ट पर भी नहीं ले जा सकते थे, लेकिन पायलट को जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना था। तो ऐसे में पायलट चेस्ले, जो कि फॉर्मर मिलिट्री पायलट भी थे, उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया और इस प्लेन को बहादुरी और सूझबूझ से 155 लोगों की जान बचाते हुए पास में मौजूद हडसन रिवर में उतारा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।